हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेयर कटिंग के ऊपर। फ्रेंड्स, ये डायमंड हेयर कट है और कितनी प्यारी हेयर कटिंग हुई है। ये फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं इनकी हेयर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। सो हेयर बिल्कुल ही हेल्दी वेल्दी हेयर है, ये काफ़ी प्यारा हेयर कट हुआ था। जैसे कि ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक से एक लेयर अलग अलग निखर के आ रही है। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा। जैसे कि इस वीडियो में जो कटिंग देख रहे हैं आप, ये कटिंग को हम फुल स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाली हूँ। ये कोई मॉडल नहीं है, ये रियल कस्टमर है। सो हमारे पार्लर पे बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर कटिंग होती है फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पे भी बहुत अच्छे अच्छे हेयर कटिंग की वीडियो डाली हुई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। सो आइए मैं इस कटिंग को स्टार्ट करती हूं। जैसे कि सबसे फर्स्ट में हम हेयर वॉश की हूं। हेयर वॉश करने के बाद कुछ सेक्शन क्लिप अप्लाई किए हैं हेयर के ऊपर, जो कि हमारा हेयर सिक्वायर हुआ है। और इस हेयर को अब मैं लेंथ मिनिमाइज करने के बाद हेयर कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि शोल्डर लेंथ से हेयर को कट करना है, तो मैं नेफ एरिया से हेयर कटिंग को स्टार्ट की हूँ, ताकि हमारा लेंथ भी मेंटेन रहे और हेयर कटिंग भी अच्छी हो। सो फ्रेंड्स, 45 डिग्री पे हेयर को ले जाते हैं, उसके बाद कट करते हैं। जस्ट 95 डिग्री पे भी ले जाकर कट करते हैं। तो डबल डबल कटिंग के लिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। सो हम बिल्कुल ही छोटे छोटे सेक्शन में हेयर को कट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो कि छोटे सेक्शन वाले हेयर कट जो होती है, वो काफ़ी अच्छी लेयर निकल के आती है। बड़े सेक्शन पे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो हेयर कट करेंगे तो काफ़ी प्यारा आएगा। जैसे कि हम कोई भी सेक्शन पे हेयर कट कर लेते हैं, बट आप लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के लिए मैं छोटे छोटे सेक्शन के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप हेयर कटिंग बताऊंगी। ये बैक स्टेप कट है, तो बैक लेयर हेयर कट में स्टेप कट भी इसे बोल सकते हैं। बट इसमें मैं फेदर भी मिक्स करूंगी, जो कि फ्रंट से करूंगी एयर टू एयर वाले हेयर को। तो इसमें हमारे छोटे बाल जैसे ही मिल जाते हैं, हेयर को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि सारे हेयर को हमें इसी तरीके से कट करना है। जो नेफ एरिया के हेयर को हम कट किए थे, फर्स्ट स्टेप था हमारा, वो हमारा गाइडलाइन था। अब मैं कटे हुए हेयर में विदाउट कटे हुए को मर्ज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटे हेयर हमारी मिल गई है, उसके साथ हम हेयर को मर्ज कर दें। सो काफ़ी अच्छी हेयर कटिंग हुई थी। और इस कटिंग की जो, अगर आप पूछे कि इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो ये बैक लेयर हेयर कट है और इसे आराम से इस तरीके से कट कर सकते हैं। सो कोई बिगनर्स हैं, कटिंग सीखना चाहते हैं, इस तरीके से कटिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल पे, हमारी जो पार्लर की चैनल है, इस चैनल पे मिनिमम बताएं तो हेयर कटिंग की ही वीडियो रहती है। देख सकते हैं कितनी प्यारी लेयर आई है। तो लेयर को इस तरीके से लाने के लिए बहुत ही कम समय में आप ऐसे वाले वीडियो देख कर सीख सकते हैं हेयर कटिंग। पूरा हेयर कटिंग में बस हमें यही एक ध्यान देना है कि ग्रीप अच्छी बनानी है। जैसे कि टू फिंगर की हेल्प से हम हेयर को पकड़े हुए हैं, इसको आप टाइट पकड़नी है। आपकी फिंगर से हेयर ऐसे नहीं निकलनी चाहिए और ना ही आपकी कटिंग ऊंचे नीचे होनी चाहिए। जो भी हम फिंगर में हेयर को फंसाते हैं, उसको अच्छे से टाइट पकड़ते हैं, उसके बाद हेयर को कट करते हैं। जहाँ पर हमारी ग्रो अच्छी दिख रही है, वहाँ पर हम नोजिंग भी करते हैं, ताकि हमारी हेयर कटिंग बहुत ही अच्छे से निखर के आए। अगर हेयर बहुत ही पतली है, सेक्शन में हेयर जैसे ही उठाते हैं तो पता चल जाता है कि हमारी हेयर नोजिंग देने लायक है या नहीं, तो मैं इस तरीके से हेयर को कट करती हूँ। काफ़ी सारे जो व्यूवर्स होते हैं, वो कमेंट करते हैं कि कटिंग तो आप दिखाते हैं बट सेटिंग नहीं दिखाते हैं। तो मैं इतनी शॉर्ट हेयर के ऊपर जो ड्रायर यूज करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँ, बट इतनी समय लगती है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं साथ में हेयर ड्रायर नहीं दिखाती हूँ। बट बहुत सारे कस्टमर की मैसेज आती है कि आप कटिंग तो दिखाते हैं बट सेटिंग नहीं दिखाते, तो मैं सेटिंग भी दिखाने का कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो लाऊँगी वो सेटिंग के साथ लाऊँगी। सो इस तरीके से लॉन्ग हेयर को हम शॉर्ट बना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम गाइडलाइन लेते जा रहे हैं और हेयर को कट करते जा रहे हैं।
तो इसमें बहुत मैसेज भी आया था कि आप कहाँ से हेयर को उठाते हैं और सीधे ही कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली देखें, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। सो बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करके देखें। तो इस टाइप से हेयर कटिंग अगर देखते हैं इस वीडियो को और प्रैक्टिस करते हैं तो हेयर कटिंग बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे कि हमारे शॉर्ट हेयर मिला, मैं उतने लॉन्ग हेयर को कट कर दी। तो इस टाइप से हेयर कटिंग आप बहुत ही जल्द कम समय में सीख जाएंगे। साथ साथ में मैं नोजिंग भी करती जा रही हूँ, जैसे कि लेयर हमारी निकलती जा रही है, मैं नोजिंग करती जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आ गया एयर टू एयर और क्राउन सेक्शन का हेयर। तो ये हेयर में मैं फेदर का लुक दूंगी, जो कि फ्रंट वाला मैं पहले ही बताई थी कि फेदर लुक मैं देने वाली हूँ, क्योंकि फ्रंट से फेदर रहता है तो बैक जाने के बाद लेयर काफ़ी अच्छे से निखर के आती है। सो मैं, ये रहा हमारा गाइडलाइन, मैं गाइडलाइन को अच्छे से क्रिएट करती हूँ, उसके बाद मैं इसे डबल एप्लीकेशन करूँगी, जो कि हमारा गाइडलाइन अच्छे से निकल गई है। अब इसके साथ मैं छोटे छोटे लंबे सा सेक्शन लूँगी और छोटे वाले हेयर जैसे ही हमें मिलते हैं उसके साथ इस हेयर को कट कर दूँगी। तो कटिंग करना काफ़ी आसान है फ्रेंड्स, अगर वीडियो को डीपली आप देखते हैं तो एक बार में हेयर को कट कर सकते हैं, बट वीडियो देखने से नहीं होगी जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें। हमें उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी करते होंगे जो भी हमारे वीडियो देखते हैं। सो जहाँ से समझ में नहीं आती है तो वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको डीपली समझाऊंगी और अच्छे से बताऊंगी ताकि आप अच्छे से हेयर कटिंग सीख पाएं। ये रहा हमारा साइड वाला, तो एक साइड का हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं दूसरे साइड में जाऊंगी तो दूसरे साइड से हेयर कटिंग को मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस है मैं एक ही साइड से कर रखी हूँ, तो हमारा एक ही साइड से हेयर कट करने में हमें अच्छा लगता है और अच्छे से हो पाता है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं दूसरे साइड जाने के बाद भी एक ही साइड आ गई हूँ और इसी तरीके से हेयर को कट कर रही हूँ। बहुत ही कम समय में हेयर को कट कर लेती हूँ, बट आप लोगों को बताने के लिए थोड़ी समय लगती है। सो दोनों साइड की हेयर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं हल्के से इसे बॉन्स में दिखती हूँ कि किस तरीके से आया ये कटिंग या नहीं। तो मैं, हो सके तो मैं सेक्शन बॉक्स बनाकर एक बार रीचेक जरूर करूँगी। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो रीचेक करने के लिए फ्रेंड्स एक बॉक्स सेक्शन बनाना होता है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बॉक्स सेक्शन बनता है, जो कि हमारा सबसे ऊपर का हेयर होता है। तो इसको मैं सारे हेयर को एक साथ उठाऊंगी और फ्रंट की ओर हेयर को डन करने के बाद इसे कट करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली है, फ्रंट की ओर थोड़े से डन किए और इसको सीजर को तिरछी कटिंग कर दी, बिल्कुल तिरछी करनी है। जैसे कि आप बैक जाने के बाद देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है। सो हमारी हेयर कटिंग हो गई कंप्लीट। अब मैं इसको फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। तो वेट हेयर में इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं डायरेक्टली आपको सेटिंग तो नहीं बताई हूँ, मैं डायरेक्ट हेयर को सेट करके दिखा रही हूँ। सो इस तरीके से हमारी हेयर कटिंग कंप्लीट हुई और इस पे मैं सेटिंग नहीं बताई हूँ। अगर आपको सेटिंग की वीडियो देखनी है तो आप प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा इस तरीके की हेयर कट में कैसे मैं ब्लू ड्रायर की हूँ। बिना सेटिंग की कटिंग अच्छे से नहीं निखर के आती है, वेट हेयर में अच्छी नहीं दिखती है। तो मैं हल्के से ड्रायर जरूर यूज करती हूँ। तो इनके बाल काफ़ी सिल्की थे तो इसमें बॉन्स काफ़ी अच्छी आई है। सो शॉर्ट हेयर में कटिंग लगभग बहुत ही प्यारी प्यारी होती है, तो अगर आप आसपास से हैं तो आप इस हेयर कटिंग को ज़रूर करवाएँ, अगर आपके हेयर इस टाइप की है तो। सो कैसी लगी हमारी वीडियो फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, खूब सारा शेयर करें, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की हेयर कटिंग घर बैठे सीख सकते हैं। इसे हाफ बाल में अगर क्लच करते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं। इनकी हेयर की ग्रो बहुत ही अच्छी थी, थिकनेस थी, हेयर बहुत ही हेल्दी वेल्दी है। सो इनकी हेयर पर काफ़ी अच्छी कटिंग हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगर कटिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से घर बैठे आप हेयर कटिंग सीख सकते हैं, ब्यूटीशियन का भी कोर्स पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फुल वीडियो देखने के लिए